Chicago. That place is so amazing, yeah. You know, we should have it. That's the best location for our cafe. Please do something and get it. I'll let you go. अरे नहीं ये जाओ जाओ सारा क्यों दिया तुमने उसे इतने पैसे अरे ठीक है शीशा ही नीचे नहीं करना था चले जाना था उसने तुम भी ना कभी कभी बहुत इंपल्सिव हो जाती दीदी देखो इतना किसी ने नहीं दिया था आज तक अरे दीदी ठीक मेरे को बहुत अच्छा लगा तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा मेरा दिल से दुआ है शुक्रिया। You were saying something? क्या हो गया? You think this would make a difference? You and your beliefs, huh? चलो मुझे वहाँ पे ड्रॉप करो। राघव यार इतनी कॉल क्यों कर रहे हैं? आ तो रहे थे ना मैं। सारा। You're looking so happy. क्या हुआ? बैठो। तो, I have a good news for you. Okay. Actually, I have a great news for you. एक मिनट। We got the place? Yes, we did. Oh man, that's a great news, यार। Congrats. कैसे किया तूने? I don't know, यार। कल तक they were too adamant on not giving us the place. Then suddenly, उनका manager calls today and says that the place is yours. That too at our own price. So. अब नई मालकिन बन गई हो टेक अ सिप तुझे तो पार्टी दूंगी पक्का और उसने इंटीरियर के बारे में क्या बोला अरे दीदी 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 रुको दीदी दीदी सुनो रुको पहचाना कैसे हो आप अरे पहचाने की कैसे नहीं दीदी और मेरे को संध्या बोलो संध्या बड़ा अच्छा नाम है अच्छा एक मिनट है संध्या ये तुम्हारे लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी दुआ की वजह से मेरा बहुत बड़ा काम हो गया मैं अपना कैफे ओपन कर रही हूँ अरे वाह दीदी आपको तो बहुत बहुत बधाई दिल से दुआ देने के लिए बहुत शुक्रिया संध्या संध्या गुड मॉर्निंग आपको भी गुड मॉर्निंग दीदी बाय किचन का काम कब तक होगा देखिए बहुत कम टाइम बचा है कैफे के ओपनिंग के लिए थोड़ा थोड़ा जल्दी कीजिए हाँ ठीक है यार मुझे फिर से कॉल कीजिए ठीक है भैया अंदर गली जाएगा चलो ना भैया लेके जान अरे पैसा दे रही है ना मैं पैसा जाओ ऐसे संध्या संध्या दीदी क्या हुआ कुछ नहीं दीदी वो घर जा रही अच्छा बैठो मैं छोड़ दूंगी मैं छोड़ दूंगी बैठो अरे बैठो तुम ठीक हो
नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं। जब से घर छूटा तब से कुछ ठीक नहीं। लोग ठीक से बात तक नहीं करता, तुम तो देखी। 15 साल की थी, पापा ने बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दी। लड़का लोग के चक्कर में मुंबई आ गई, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। इधर मैं ये काम मैंने रख लिया। बस दीदी रेडी। अच्छा तो यहाँ रहती हो तुम? वैसे संध्या, इतने सालों में कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसी जिंदगी से बाहर निकलना है? मतलब कुछ कुछ काम करना है, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है। मेरे को लग के क्या होएगा दीदी, लोग सीधा मुंह बात तक नहीं करता, काम क्या देगा? चलती है। थैंक यू। Are you fucking kidding me right now? Look, Sarah, I've never opposed you for anything. But ये काम ही नहीं करेगा यार। We might even face a big loss in our business. That too out of your fucking charity. Raghav, trust me on this. I know मैं सही कर रही हूँ। Sure. Do whatever the fuck you want to do. अरे बट सुन तो। यहाँ? अरे अंदर तो बुला। हाँ आओ ना, आओ ना, बैठो। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ये कुछ नहीं। दीदी तुम यहाँ क्यों आई? बचपन में ना मेरी एक दोस्त थी, उसका भी नाम संध्या था। हमारे काम वाली मावशी की लड़की थी वो। अचानक मावशी ने काम छोड़ दिया,
उसके बाद संध्या को कभी देखा ही नहीं, ना ही कभी ढूंढने की कोशिश की। तुम अचानक गायब हो गए, मुझे और एक संध्या को नहीं खोना है। दीदी, और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। क्या? चलोगी मेरे साथ? कहाँ दीदी?